यहाँ आए, एक जानकारी है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सल गार्डन एक्ट को लागू हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए इस साल किया है। इस एक्ट को लागू करने से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिसमें इससे पहले काफी वर्षों से टेलीस्कोपिक कार्टन हिमाचल प्रदेश में बागवान यूज कर रहे थे और अब एकदम हिमाचल सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय ने ये कानून हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर थोपा है, जिससे बागवानों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही विनती सरकार से की थी कि आप इसमें बागवानों को रिलैक्सेशन दे, जो बागवानों के पास स्टोरों में टेलीस्कोपी कार्टन है और सैकड़ों में नहीं हजारों में जिन बागवानों के पास है, वो बागवान उसको भी यूज कर सके। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, टेलीस्कोपी कार्टन जो उसका बॉक्स है वो सिंगल बॉक्स है, तो टेलीस्कोपी कार्टन थे उसमें डबल बॉक्स होते थे। जैसे हमारे दूरदराज के क्षेत्र है, उसमें बागवान लेबर से और खच्चरों पर सेब का ढुलान करते थे, इसमें वो ढुलान नहीं हो रहा, ये पेटी बिल्कुल ही सिंगल कार्टन है और ये बिल्कुल खत्म हो रही है, जब दूरदराज के क्षेत्र से सेब इसमें ला रहे हैं, रोड साइड के लिए ला रहे हैं। और गवर्नमेंट ने पहले इसको ग्राउंड लेवल में बागवानों से पूरी डिस्कस करके लागू नहीं किया है, एकदम ऊपर से बागवानों के ऊपर थोपा है। और हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों के बागवान इस कानून के थोपने से बहुत हराश और हताश हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है, बाहर की मंडियों में, हिमाचल प्रदेश से बाहर की मंडियों में आप टेलीस्कोपी कार्टन से सेब बेच सकते हैं और उसमें कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है, और हिमाचल के बागवान सारे पलायन बाहर की मंडियों में कर रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड को रेवेन्यू भी, इसमें रेवेन्यू की भी इनको जो टैक्स मिलना था उसकी भी बहुत कमी हो रही है। और दूसरा, एक बार जब हिमाचल प्रदेश के बागवान बाहर का रुख कर देंगे, जो हमने करोड़ों अरबों की मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनाई हैं, इन मंडियों का यूज फिर आने वाले समय में बहुत कम होगा। हम यही आग्रह सरकार से कर रहे हैं कि आप जो टेलीस्कोपी कार्टन है उसमें रिलैक्सेशन दे, इस बारी बागवानों को इसमें 6 महीने 1 साल की रिलैक्सेशन देकर जिनके पास स्टोर है, जिनके पास अवेलेबल है स्टोर में, वो उसको यूटिलाइज कर सके। और आगे के लिए जो यूनिवर्सल कार्टन है, इसके बॉक्स की जो थिकनेस है, पहाड़ी क्षेत्र है, दूरदराज का क्षेत्र है, इसको भी आप प्रॉपरली इसको देखें कि सेब डैमेज ना हो इसमें, इसके लिए भी अलग से इसकी मापदंड बनाए, ये मेरा कहना है। आगे की चेतन भाटकर जी आगे की बात रखेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे आदरणीय विधायक 5,000 करोड़ की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है और आज ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में आ गई है। एक बात हम बड़े क्लियर कर लें, कुछ दिन पहले मैंने रूडू में भी इस प्रेस के साथ, आपके कलीग के साथ संवाद किया था और हम पहले भी इस बात में उसमें कहा कि इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नहीं है सिर्फ, इसमें बागवान भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें मिडलमैन जो आढ़ती हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जो लदानी हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बनाया। आपको बताते हुए ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत घबराने वाला है, आज से 20 साल पहले इसका उलट होता था और आज हम कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश ओनली प्रोड्यूसेस 17% ऑफ द टोटल एप्पल इन इंडिया, मतलब सिर्फ 17% हिमाचल प्रदेश पैदा करता है, बाकी जो 78% है वो जम्मू कश्मीर पैदा करता है। किसी टाइम हम सबसे लीडिंग थे, आज हम सबसे पीछे जा रहे हैं, इस बात को भी हमारे को समझना पड़ेगा। क्या कार्टन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कश्मीर ने की है, क्या कार्टन की जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ने करी है, क्या उसको उत्तराखंड ने करा है, ये भी एक प्रश्न है जो मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। जुलाई में हमेशा देखा गया
जब से सेब उगे हैं, जब से स्टोव जी के टाइम से जब से सेब आए थे और जब से हमने इसको कमर्शियली हमने इसको बेचना शुरू करा है, कभी भी जुलाई में जो सेब है वो सबसे ज्यादा बिकता था हिमाचल की मंडियों में। पर मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये आप लोगों के साथ आपके सामने एक बात साझा करनी पड़ रही है कि इस बारी सेब जुलाई में बाहर जाने लग गया है, मतलब हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। हमारे यहाँ पर जो लदानी है, अगर आप क्योंकि इसके बाद आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग शिमला में आप डली मंडी, बराला मंडी, खड़ा पत्थर मंडी, रोडू मंडी, सोलन मंडी, हमारी परवानू मंडी, आनी मंडी, आप खुद पता कर लीजिएगा, या कुल्लू में कि जो लदानी है, जो बायर्स है, क्या उनकी उनके आने में कमी हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल कमी हुई है। इसलिए कमी हुई है क्योंकि कंफ्यूजन पूरी तरह से हो गया है। इसका कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब आपके आर्थी नहीं आएंगे, जब आपके लदानी यहाँ पर नहीं आएंगे, हमारा जो होटल का बिजनेस है, जो हमारा पेट्रोल पंप का बिजनेस है, जो हमारा एक्साइज का बिजनेस है, वो सारा हमारा लॉस होगा। सेल के साथ साथ बाकी चीजों पे भी इसके रिपेलिंग इफेक्ट पड़ेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। धूमल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक रोबोस्ट जो मार्केटिंग यार्ड्स हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में खड़े करे। हर जगह पे स्वर्गीय बराट्टा जी ने जो मंडी से उनको खोला और आज मुझे लगता है उनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ गया है। एक और मुद्दा जो मैंने रोडू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था और इस बात को मैं फिर यहां से दोहरा रहा हूं, जो सेब है वो गड के हिसाब से ही बिकना चाहिए। कुछ कैटेगरीज में आप अभी गड के हिसाब से बेच रहे हैं और कुछ कैटेगरीज में आप दर के हिसाब से बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर कर रही है आपके माध्यम से, हमको बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सब कुछ जो है वो दर के हिसाब से नहीं बेचना, सारा गड के हिसाब से बेचना है। कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से, एपीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि जो भी अब बाइंग होगी वो गड के हिसाब से होगी, दर के हिसाब से नहीं। परंतु आप इस बात को खुद इन्वेस्टिगेट कर दीजिएगा, 10-30%, 20% और 10% का जो कटौती है वो लग रही है। आपको ध्यान होगा पिछली बारी आपदा आई थी, हमारे जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से फेल हुई थी, हम अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे। इस बारी ड्रॉट की बहुत बड़ी जो विकट स्थिति है वो हम लोगों के सामने आ चुकी है, उसी कारण से इस बारी भी जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम है। पिछली बारी हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए, इस साल हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस हुए। सरकार अच्छा होती इस बारे में सोचती, आप फैसिलिटेटर बनते इरिगेशन को स्कीम्स को लेकर, सूखे को लेकर आप बात करते, परंतु हमारे को उन्होंने उलझा के रखा है कि गत्ता ये ले लो, गत्ता वो ले लो। जैसे अभी यहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक जी ने बोला, बलवीर वर्मा जी ने, कि इसकी जो क्वालिटी है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। और मैं सही मायने में मैं फिर बोलता हूँ, यूनिवर्सल कार्टन का हम वेलकम करते हैं, परंतु क्या ये सही मायने में यूनिवर्सल कार्टन है? क्या क्या ये यूनिवर्सल ट्रेस की यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या सरकार ने आनंद फानन में एक सेक्रेट में कम बंद कमरे में कुछ जो उनके लाइक माइंडेड लोग थे, वामपंथी मित्र थे तो जो चिल्लाते रहते हैं रोड्स पर, उनके प्रेशर में आकर उन्होंने इसको एकदम रोल आउट नहीं कर दिया? आप इसको तरीके से लेकर आते, आपने क्या बागवानों के साथ संवाद किया, आपने क्या कैंप्स लगाए, आपने बताया कि कैसे इसकी पैकेजिंग होती है, 12 और 13 नंबर में क्या डिफरेंस है, क्यों नहीं 11 नंबर लेकर आते? मैं स्मरण करना चाहता हूं राजा वीरभद्र जी को, यहां से वो भी बागवानी हितेशी थे, जब ट्रांजिशन हुई गत्तों से लकड़ियों से गत्तों की तरफ, उन्होंने भी ट्रायल पीरियड दिया था 3 साल का। तो हम भी चाहते थे कि ये आप करते इसको वेलकम है, परंतु बागवानों को ये इंडिपेंडेंस देते कि उन्होंने यूनिवर्सल लेना है, टेलीस्कोपिक लेना है। क्या सरकार का कोई अभी तक कमांड है कोरोगेटेड बॉक्सेस के मैन्युफैक्चरर्स पे? बिल्कुल नहीं। आप खुद पता कर लीजिएगा, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से जो कोरोगेटेड बॉक्सेस हैं वो टेलीस्कोपिक कार्टन बना रहे हैं, और काफी बागवानों ने अपने जो कोरोगेटेड बॉक्सेस हैं, जो टेलीस्कोपिक कार्टन है, उनको उन्होंने अपने घरों में लेना शुरू कर दिया, और पिछले साल की भी जो इन्वेंट्री है उनके पास पड़ी है, किसी तरह का कोई भी जो है रोक टोक नहीं है। क्या आपने परवानू मंडी के पास एपीएमसी जो बॉर्डर है जहां से बाहर निकलता है सेब, वहां पे क्या आपने कोई मॉनिटरिंग सेल बनाया? आप क्या चेक कर रहे हैं? और मैं एक और चीज सरकार से यहां से पूछना चाहता हूं, आप बोलते हैं कि आप चलान करेंगे, आज आपकी जो दादागिरी है, जो आपने एक हुक्मी, जो एक तगलुकी फरमान आपने लेकर आया, आप सिर्फ दबा रहे हैं मिडिलमैन को, परंतु किस एक्ट के अनुसार आप बागवानों का चलान करेंगे अगर वो टेलीस्कोपिक कार्टन लेकर यहां से बाहर लेकर जाएंगे? तो ये सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो मैं आप लोगों के सामने, और ये जो सारी फीडबैक है मैं ग्राउंड से आपको लेकर आया हूं, जो मैं आपके सामने यहां पे शेयर करना चाहता था। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि
ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है हमारी मंडियों को बंद करने के लिए, फार्म गेट टू फूड प्लेट, सप्लाई चेन का ये